अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, जो घर पर हम इसे इफ्तारी में बना सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। तो फिर चलिए हम चिकन टिक्का पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मसालों में हमने नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा रेड फूड कलर लिया है। और यहाँ पे एक टेबल स्पून भर के ग्रीन चिल्ली पेस्ट और एक टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। और यहाँ पे हम एक नींबू भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हाफ कप हमने फ्रेश गाढ़ा दही लिया है। अब सबसे पहले हम अपने चिकन में मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और सारे मसाले हमें इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे हमें दही ऐड करना है। ये बिल्कुल हमने गाढ़ा दही लिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चिकन के ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नींबू का रस ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर देना है। अब इसे हम आधा से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। देखिए, हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और उसमें हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पे हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही कुक कर लेना है। देखिए, चिकन अपना पानी खुद ही रिलीज करेगा और इसे हम और 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारी चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है। तो हम थोड़ी सी गैस की हाई फ्लेम कर लेंगे और इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारे चिकन टिक्का पिज्ज़ा की चिकन बन के तैयार है। अब हमने यहाँ पे पिज्ज़ा ब्रेड लिया है, जिसके ऊपर हम सबसे पहले पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। और अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा मायोनीज और थोड़ा सा केचप लिया है, जिसे हमने अच्छे से मिक्स करके मायोडीप बना लिया है। इसे हम अपने पिज्ज़ा के ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर कटे हुए टोमेटो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर हमने जो चिकन टिक्का बनाया है उसके पीसीज ऐड कर देना है। और यहाँ पे अब हम चीज ऐड करेंगे और पूरे पिज्ज़ा ब्रेड के ऊपर हमें चीज़ लगा लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स या ऑलिव्स या और कोई वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कैप्सिकम लग देंगे। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरेगानो ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। हमारा चिकन टिक्का पिज्ज़ा रेडी है। अब हम इसे अपनी चीज़ मेल्ट हो जाए वहाँ तक ओवन में गर्म कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसे तवे पे भी गर्म कर सकते हो। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे ताकि हमारी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, ये हमारा डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी मेरी इस मेथड से चिकन टिक्का पिज्ज़ा रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।
अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।